नमस्कार बच्चों, मैं नेहा से नव भारतीय परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। संधि की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज गुण संधि पढ़ने जा रहे हैं। स्वर संधि का पहला पेज जो दीर्घ संधि है वो हम पढ़ चुके हैं, गुण संधि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गुण संधि क्या है? आपने दीर्घ संधि में क्या पढ़ा था? एक परिवार के बारे में पढ़ा था, यानी जो प्लस होता है, यानी जो धन होता है, जहां आप वर्णों का मेल करते हो वहां पर दोनों और स्वर होते हैं और वो स्वर एक ही परिवार के होते हैं। यदि अ और आ है तो वहां आ होगा, छोटी या बड़ी ई दोनों में से किसी स्वर का मेल होता है तो वहां बड़ी ई होगी, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ कहीं होता है तो वहां पर उनका जो मेल होता है वो किस रूप में मिलता है? हमें बड़े ऊ के रूप में मिलता है। दूसरी संधि हमारी जो गुण संधि आती है उसके अंदर हमें अ या आ, पहला वाला जो पद है हमारा उसमें जो अंतिम स्वर होगा वो अ या आ होगा, और दूसरा स्वर जो होगा वो छोटी ई बड़ी ई दोनों में से कोई एक हो सकता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर री। इसमें से इन जो पांच स्वर दिए हुए हैं आपको, इनमें से कोई भी स्वर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसकी छोटी ई और बड़ी ई जो है ये किसमें परिवर्तित हो जाती है? ए में। छोटी ई और बड़ी ई किसमें परिवर्तित हो जाती है? ए में। छोटा ऊ और बड़ा ऊ किसमें परिवर्तित हो जाता है? ओ में। और री किसमें परिवर्तित हो जाता है? अर में। ठीक है, कैसे होता है? लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर किसी शब्द के मध्य में एक ही मात्रा आ जाए, यानी एक मात्रा गुण संधि, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि एक मात्रा बराबर गुण संधि। ये देखिए, नरेंद्र में एक मात्रा है, पुष्पेंद्र में एक मात्रा है, महेश में एक मात्रा है, प्रेक्षा में एक मात्रा है, राकेश में एक मात्रा, नरेश में एक मात्रा, यथेष्ट में एक मात्रा, उमेश में एक मात्रा, गुड़ाकेश में एक मात्रा, ऋषिकेश में एक मात्रा, अपेक्षा में एक मात्रा, और अंकिक्षण में भी एक मात्रा। अर्थात एक मात्रा इज इक्वल टू गुण संधि। ठीक है, अब इन्हें तोड़े कैसे, यानी इनका विच्छेद कैसे करें? हमने आपके सामने संधि दिया हुआ, अब इस संधि का विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए, जहां पर भी आपको एक ही मात्रा दिख रही है, इस एक ही मात्रा से ही आपको शब्दों को तोड़ना है। जैसे नर धन इंद्र, क्या हो गया? नरेंद्र। शब्दों का ध्यान रखिएगा, सार्थक शब्दों को ही आप, सार्थक शब्दों में ही आपने आपको इसे तोड़ना है। यदि आप निरर्थक शब्दों में तोड़ोगे तो वहां संधि कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि निरर्थक शब्दों का हमारी हिंदी में कोई स्थान नहीं। ठीक है, तो नर धन इंद्र क्या हो गया? नरेंद्र हो गया। अब यहाँ पर पुष्पेंद्र है तो प पे की मात्रा है, तो यहीं से आपको तोड़ना है शब्द को, क्या हो गया? पुष्प धन इंद्र। तो ये देखिए, पहले वाले पद में अ या आ में से कोई एक स्वर आना चाहिए, वो आपके यहाँ अ आ रहा है, और दूसरे वाले में छोटी या बड़ी ई में से कुछ भी हो सकता है, तो वो आपके दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? आपके एक ही मात्रा यानी ए हो जाएंगे। महेश महा धन ईश आ गया, यहाँ आ हो गया, यहाँ बड़ी ई हो गई। ठीक है, आगे देखिए, प्रेक्षा प्र धन ईक्षा, क्या हो गया? प्रेक्षा, प्र में अ और ईच, अ और ई मिलके क्या हो गए? ए। राकेश में देखिए, राका धन ईश, राका रात्रि को कहते हैं, तो रात्रि का स्वामी कौन? चंद्रमा। नरेश नर धन ईश। फिर यथेष्ट, वही एक ही मात्रा से तोड़ेंगे इसको, यथा धन ईष्ट, क्या हो गया? यथेष्ट हो गया। आगे देखिए, उमेश उमा धन ईश, अर्थात कौन है उमेश? भगवान शिव। उमा कौन? पार्वती। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है गुड़ाकेश, ये समास में भी आता है और संधि में भी आता है। ठीक है, गुड़ाकेश, गुड़ाका धन ईश, गुड़ाकेश यानी नींद का स्वामी, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला कौन है? अर्जुन को कहा जाता है गुड़ाकेश। इसके अलावा लक्ष्मण को भी कहा जाता है, शिव जी को भी कहा जाता है। ठीक है, तो गुड़ाका धनीश, गुड़ाकेश। ऋषिकेश, ऋषिक धन ईश, ऋषिकेश। अपेक्षा अप धन ईक्षा, अंकेक्षण अंक धन ईक्षण। ठीक है,
यानी आपको जहां पे भी ए की मात्रा एक मात्रा मिल जाए वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि, और उसी ई की मात्रा से आपको शब्दों को तोड़ना है। क्या करना है? शब्दों को तोड़ना है, ठीक है। तो ये थे हमारे ए की मात्रा वाले शब्द। अब ये पहला हमारा, ये ए की मात्रा हमारा पूरा हुआ, अब हम देखेंगे ओ की मात्रा, दूसरा नंबर ओ की मात्रा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, यदि पहले पद में अ या आ स्वर हो और दूसरे पद में छोटा उ या बड़ा उ हो तो बराबर क्या हो जाता है, ये ओ हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, देखो पहली बात तो पहचानो, पहली संधि गुण संधि में क्या था, दीर्घ संधि में क्या था, बड़े स्वर थे, कौन कौन से, आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ठीक है। गुण संधि के अंदर दो स्वर है हमारे ए और ओ, छोटे वाले ए से एडी और ओ से ओखली वाले स्वर, ठीक है। तो जहां पर भी आपको ओ की और ए की मात्रा मिलती है एक वाली, वहां पर गुण संधि होती है। अब यहां पे देखिए अतिशयोक्ति में यहाँ ओ की मात्रा है, ठीक है, ये ओ की मात्रा है। उत्तरोत्तर में ओ की मात्रा है, लंबोदर में ओ की मात्रा है, ज्ञानोदय में ओ की मात्रा है, जलोर्मी में ओ की मात्रा है, नवोढ़ में ओ की मात्रा है, लोकोक्ति में ओ की मात्रा है, महोत्सव में ओ की मात्रा है, एक मात्रा गुण संधि। अब जैसे हमने पहले वाले ए वाले शब्दों को तोड़ा था, ऐसे ही हम ओ वाले शब्दों को तोड़ेंगे, कैसे, अतिशयोक्ति, कहां दिख रही है ओ की मात्रा, यहां पर, तो यहीं से आपको शब्द को तोड़ना है, अतिशय धन उक्ति, तो ये उ और यहाँ अ, अ और उ मिलके क्या हो गए, ओ हो गए, ठीक है। आगे है उत्तर, उत्तर, उत्तर धन उत्तर, क्या हो गया, उत्तरोत्तर हो गया, ठीक है। लंबोदर लंबा धन उदर, लंबोदर कौन है, गणेश जी को कहा जाता है, समास में भी आता है और संधि में भी आता है। एक बात और ध्यान दें बच्चों, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है वह कौन सा शब्द है जिसमें संधि और समास कार्य दोनों किया गया, तो ऐसे कुछ शब्द भी है जिनमें संधि और समास दोनों कार्य होता है, उनको भी एग्जाम में अच्छी तरह से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि वही ज्यादातर उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लंबोदर है, तो आपको प्रश्न दे दिया और चार विकल्प दे दिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें संधि भी है और समास भी है, तो मैंने आपको इससे पहले गुण संधि में पहले एग्जाम्पल दिया था, वो था गुड़ाकेश, तो गुड़ाकेश में संधि भी है और समास भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लंबोदर में संधि भी है और समास भी है, ठीक है। ज्ञानोदय, ज्ञान धन उदय, क्या हुआ, ज्ञानोदय, फिर वही यहाँ ओ की मात्रा है तो यहीं से इसको तोड़िए, जल धन उर्मी, क्या हुआ, जलोर्मी, और उ बराबर जल, ओ, नव धन ओढ़ा, नवोढ़ा कहते हैं नव विवाहिता को, ठीक है, नई जो बहू होती है उसे कहा जाता है नवोढ़ा। लोकोक्ति जो कि आप पढ़ते हो, लोक धन उक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्तियां क्या कहलाती है, लोकोक्ति। महोत्सव महाधन उत्सव, देखा आपने शब्दों के अंदर जहां ओ की मात्रा आ जाती है उस ओ की मात्रा से आपको शब्दों को तोड़ना अर्थात संधि विच्छेद करना है, और ये संधि विच्छेद पहले वाले पद में अ या आ स्वर के रूप में होगा और दूसरे वाले पद में छोटा उ बड़ा उ छोटी ई या बड़ी ई के रूप में होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी गुण संधि का दूसरा, अ या आ के बाद में यदि उ या उ आ जाता है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखते हैं यदि अ या आ के बाद में री आ जाए तो वो अर कैसे बनता है, देखिए, चलिए देखते हैं। तो देखिए जहां पर भी आपको जैसे ए और ओ इसकी पहचान है, ऐसे ही अर, यानी आपको जहां ये स्वर दिखे, ये दिखे ना र, आधा र, आधा र हमेशा ऊपर चढ़ता है व्यंजन पे, तो ये देखिए जो आधा र है, ये आधे र के जस्ट आगे जस्ट पहले आपको यदि अ स्वर मिलता है तो वहां कौन सी संधि है, गुण संधि है। देखो कैसे, सभी शब्द देखिए, इनमें ये र है, इससे पहले व में कौन सा स्वर है, अ, ये र है, इसमें व, म में कौन सा स्वर है, अ, यहाँ पर र है, यहाँ पर दो र है, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर अगर आप देते हैं वर्ष, ठीक है, तो यहाँ पे र भी है लेकिन यहाँ पर र और त दोनों है, जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तब हम देखेंगे इसको कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे देवर्ण है, यहाँ पर भी ये जो र है, इससे पहले देखिए कौन सा स्वर है, अ है,
ये देखिए र है, इससे पहले कौन सा स्वर है? अ है। ये र है, इससे पहले देखिए कौन सा स्वर है? अ है। ये जो र है, इससे पहले देखिए कौन सा स्वर है? अ है। यानी र से पहले अ स्वर, तो कौन सा हो गया? र कौन सा? आधा र। स्वर रहित अ र से पहले यदि अ आ जाता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? हमारी गुण संधि होती है। और वो कैसे होती है, इसको हम तोड़ेंगे। जहां पे आपको र दिख रहा है वहीं से आपको शब्दों को तोड़ना है। जैसे यहाँ होगा सप्त धन ऋषि, क्या हुआ? सप्त धन ऋषि। अब यहाँ पर जो सप्त है, सप्त का अ और ये रि दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? अर हो जाते हैं। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर जो स्वर होता है इसका लोप हो जाता है। पहले पद के अंतिम स्वर का लोप हो गया और दूसरे पद के पहले पद का लोप हो गया, और ये दोनों परिवर्तित होके नए चीज में हमको नई वर्ण के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और यही परिवर्तन ही हमारी क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सप्तर्षि। आगे देखिए देवर्षि, यहाँ पर र है तो क्या हो गया? सप्त धन ऋषि। ठीक है, जहां पहले हमें ई और छोटी छोटी या बड़ी में से कुछ मिल रहा था, दूसरी बार हमें छोटा ओ या बड़ा ओ में से कुछ मिल रहा था, वहीं तीसरी बार हमें क्या मिलेगा? री मिलेगा। किसके बाद? इस प्लस के बाद में हमें री मिलेगा। ठीक है, जो किसमें बदल जाएगा? अर, अ और आधे र में। आ तो आगे वाले वर्ण में जुड़ जाएगा और ये जो री है र बन के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु। ठीक है, वर्ष ऋतु, यहां देखिए यहां पर है वर्षा धन ऋतु। ठीक है, अब यहाँ जो वर्षा दिया हुआ है, अगर आप इसे तोड़ते हैं, जैसे यहाँ र की मात्रा आपको दिखी थी, इस र की मात्रा को अगर आप तोड़ेंगे तो ये शब्द निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, कैसे निरर्थक? तो कैसे निरर्थक हो जाएगा? यहाँ अगर आप ऐसे लिखेंगे वर धन शा, तो ये तो गलत हो गया। अब ये वर र है तो र यहाँ आधा ही आ रहा है। ठीक है, कोई स्वर नहीं है इसके, तो फिर आपको क्या करना है? ये गलत हो जाएगा। तोड़ के देखिएगा इनको कि कैसे ये तोड़ने पर जोड़े जाते हैं, कहाँ हमें आ और या ई मिल रहा है, कहाँ हमें री मिल रहा है। अगर पीछे वाले शब्द में री है तो ही ये आपकी गुण संधि है, अगर पीछे वाले शब्द में र आ रहा है या व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारी गुण संधि नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? वर्षा धन ऋतु। ठीक है, देवर्ण, देव धन ऋण, क्या हो गया? देवर्ण हो गया। री जो है र में बदल गया और व में से जो अस्वर निकला था वो अर बन के वापस इसके अंदर जुड़ गया। अगर हम अर को बिना उसके बिना इस स्वर का लोप किए जोड़ते हैं तो अ प्लस अ आ हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा फिर? वो वृद्धि संधि, सॉरी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, आस्वर दीर्घ संधि की पहचान है ना, तो यदि हम इस अ को और ये री का जो परिवर्तन कर रहे हैं हम अर में, तो वो अर का अ और देव का अ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी? आ हो जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और पीछे वाला जो री को परिवर्तित करने पर जो हमें अर मिल रहा है उसका अ इसमें जुड़ करके इसको पूर्ण रूप प्रदान करता है। ठीक है, कर्णवर्षी, कर्ण धन ऋषि। ठीक है, तो कर्ण में वही जो र है वो कहां चढ़ गया? शिर के ऊपर चढ़ गया। शीतर्तु, शीत धन ऋतु। ठीक है, उत्तमर्ण, ठीक है, जैसे देवर्ण का था ऐसे उत्तमर्ण का ही होगा। क्या होगा? उत्तम धन ऋण। ठीक है, तो ये थी हमारी गुण संधि का तीसरा, जो कि अ या आ के बाद में यदि री स्वर आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए आप, सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि, सप्त का अ, री शिखर, री दोनों मिलकर क्या हो गए? अर हो गए। देवर्षि का, देवर्षि का देव धन ऋषि क्या होगा? देव धन ऋषि। ठीक है, फिर ग्रीष्म ऋतु का ग्रीष्म धन ऋतु, वर्ष ऋतु का वर्षा धन ऋतु, देवर्ण का देव धन ऋण, कर्णवर्षी का कर्ण धन ऋषि, फिर शीत ऋतु का शीत धन ऋतु, और उत्तमर्ण का उत्तम धन ऋण। एक चीज आपको ध्यान देने के लिए मैंने बताया है कि इस र की जो मात्रा है, इस र की मात्रा से पहले आपको क्या देखना है?
अस्वर देखना है। सभी शब्दों में देखिए अ ही है और कुछ नहीं है, और इस अ के बाद में क्या है, री आ रहा है, और री और अ दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, अर बन रहे हैं। ठीक है, तो आधा और अ, आधा र स्वर रहित र और अ, ये इसकी पहचान है। जैसे पहले वाले में ए थी, दूसरे वाले में ओ है, और तीसरे वाले में इसकी पहचान क्या है, अर। तो ये थी हमारी गुण संधि। आपसे फिर मिलेंगे तीसरी संधि को लेकर के, वृद्धि संधि को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।